चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए एक अलर्टनेस की ज़रूरत है, हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ये होता है कि जहाँ पे अल्टीमेट रूल किसका है, अल्टीमेट कौन देश को चलाता है, पीपल, लोग चलाते हैं, और लोग कैसे चलाते हैं, वोट करके। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसमें जो हमें आंसर लिखना है वो है ट्रू, लेकिन हमें पता है हमें एक्सप्लेनेशन भी देना है, तो वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इट शुड बी प्रैक्टिस्ड बाई पीपल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, इट शुड नॉट रिमेन लिमिटेड एट द गवर्नमेंट लेवल। तो बोल रहा है कि अगर हमें डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो वो ना सिर्फ सरकार लेकिन लोगों को भी अपने जीवन में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना चाहिए। वो कैसे, देखो लोगों को भी, गवर्नमेंट तो देखो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते रहते हैं कि हमें इक्वलिटी दो, जस्टिस दो, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करो, लेकिन क्या ये सब काम सिर्फ गवर्नमेंट का है क्या? नहीं, ये सब ग्राउंड लेवल पे, मतलब जब तक लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक देश में डेमोक्रेसी आएगी नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि सरकार से हम डिमांड करें, उसके पहले हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हमें एक अच्छा सरकार बनाए। तो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वोट करना, और जब तक हम सही से, अच्छे से वोट नहीं करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छे से नहीं चल सकती। तो जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को भी फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, और सरकार को तो करना ही करना है, लेकिन सिर्फ सरकार तक लिमिटेड ना रह जाए, लोगों का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरीका क्या है कि हम सही वोट करें, दूसरा तरीका क्या है कि सही इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, तीसरा चीज़ क्या है कि जो हम सरकारों कहते रहते हैं कि इक्वलिटी और जस्टिस दो, वो ना सिर्फ गवर्नमेंट लेकिन हम खुद भी उसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी प्रैक्टिस करके यार, गवर्नमेंट सिर्फ बोल सकती है, और प्रैक्टिस किसे करना होता है, मेनली पीपल को। तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट है कॉन्शियस एफर्ट शुड बी टेकन टू कीप द राइट्स ऑफ द पीपल इंटैक्ट। कॉन्शियस का मतलब होता है, कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब होता है कि सोच समझ के काम किया जाना चाहिए ताकि पीपल का राइट इंटैक्ट हो। इंटैक्ट का मतलब होता है बचा के रखना। वो कैसे, मान लो कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे हमें अपनी आवाज़ उठानी कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे जस्टिस नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्शियस एफर्ट करना है ताकि लोगों का जो अधिकार है वो बचाया जाए। और तीसरा पॉइंट लिखा है द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी लाइक करप्शन, वायलेंस, क्रिमिनलाइजेशन शुड बी टैकल टाइमली एंड स्ट्रिक्टली। तो अलग अलग करप्शंस जो, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो डेमोक्रेसी में आते हैं, जैसे कि करप्शन, वायलेंस, क्रिमिनलाइजेशन, इन सबको क्या है, टैकल करना चाहिए टाइमली, सही समय से, और बहुत ही स्ट्रिक्टली। और लास्ट पॉइंट तो समरी, इट इज़ नेसेसरी दैट द पीपल एंड गवर्नमेंट शुड रिमेन अलर्ट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर ये आंसर देखोगे ना तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जो मैंने तुम्हें समझाया है, तुम क्या लिख सकते हो पहले पॉइंट में कि इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इट शुड बी प्रैक्टिस्ड बाई बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज बाई द पीपल। ठीक है, द पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बाई स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशंस, राइट इंफॉर्मेशन, बाई एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स बाई गिविंग देयर वोट्स। तो पहला पॉइंट तुम ये लिख सकते हो। फिर द कॉन्शियस एफर्ट शुड बी टेकन टू कीप द राइट ऑफ द पीपल इंटैक्ट, इसमें तुम लिख सकते हो कि द राइट ऑफ द पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड बाई रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, ये पॉइंट लिख सकते हो। फिर डिफरेंट चैलेंजेस फेस बाई डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी लाइक करप्शन, वायलेंस, क्रिमिनलाइजेशन, ये तो ईजी पॉइंट है, शुड बी टैकल टाइमली एंड स्ट्रिक्टली। और लास्ट पॉइंट तो खैर ईजी है, इट इज़ नेसेसरी दैट द पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड रिमेन अलर्ट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो मैंने बोला है उसको एक बार पॉइंट बना के और अपने खुद से समझ के, ये टॉपिक को समझ के अपने खुद से भी दो तीन पॉइंट लिख सकते हो।
ट्रू एंड फॉल्स दो मार्क्स का आता है ना। तो अगर आपने दो तीन पॉइंट खुद से भी लिख दिया जो मैंने बोला वैसे भी बना के लिख दिए, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू।